मैं आपका स्वागत करती हूँ शाइनिंग गार्डन में। मैं आज कैक्टस की कटिंग को कैसे लगाएं? ये है कैक्टस की कटिंग जो मैंने अपने गार्डन से दो दिन पहले ही कट करके रख लिया था, क्योंकि कैक्टस की कटिंग को तुरंत नहीं लगाते, क्योंकि कैक्टस में से एक प्रकार का लिक्विड निकलता है जो कैक्टस को ग्रो रोक देता है। हमेशा कैक्टस कटिंग को छोटे ही पॉट में लगाना चाहिए, क्योंकि छोटे पॉट में ग्रोथ अच्छी होती है। तो ये कैक्टस को ये मैंने अपने नॉर्मल मिट्टी यूज की है। इस कटिंग को अब हम पॉट में लगा देते हैं। थोड़ा सा इस तरह करेंगे, फिर इस कटिंग को सीधा रखेंगे, फिर हाथ के सहायता से इसको थोड़ा सा सहारा देकर इसको हल्के हाथों से पुश कर देंगे। तो ये फ्रेश कटिंग मैं आपको लगा कर दिखाऊंगी। छोटा पॉट लिया है मैं, इस नए कटिंग को इस छोटे पॉट में, अब छो हल्का सा इस जगह बनाएंगे, इसके अंदर जगह बना लिया है। अब इस कटिंग छोटी सी कटिंग को इसमें सीधा करके रख लेंगे और फिंगर की सहायता से हल्के हाथों से इसमें को पुश करके कर देंगे। अब दोनों ही कैक्टस कटिंग तैयार हो गया है। जो मैंने अभी न्यू कटिंग करके लगाया है उसमें हम लोग पानी नहीं देंगे, इसमें पानी हम दो दिन बाद देंगे। और जो मैंने पुराना कटिंग दो दिन पहले करके रखा उसमें हमें पानी देंगे, थोड़ा ज़्यादा पानी इसके अंदर डाल देंगे, क्योंकि ये दो दिन पहले कटिंग किया हुआ है, ये तुरंत कटिंग किया हुआ है, इसमें पानी नहीं देंगे। कटिंग तैयार हो गई है, अब इसको नॉर्मल जगह पे रखनी है, ना ज़्यादा धूप हो ना ज़्यादा छाँव हो। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। Tell me that you love me, even